संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने की कोशिश में सरकार। बीजेपी ने दोनों सदनों में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के दिए निर्देश। विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आएगा सदन में। दिल्ली हिंसा और CAA NPR को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। दिल्ली चुनाव परिणाम का भी सदन में दिख सकता है असर। दिल्ली हिंसा के बाद अब हालात दिखने लगे सामान्य। उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज भी सड़क पर दिखेगा भारी पुलिस फोर्स। CBSE के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी दे सकेंगे हिंसाग्रस्त क्षेत्र के छात्र। जो छात्र परीक्षा देने में रह जाएंगे वंचित, उन्हें बाद में मिलेगा मौका। दिल्ली हिंसा को लेकर पूरे देश में चल रही है राजनीति। शाहीन बाग में धरना दे रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज भी सुरक्षा बलों का रहेगा भारी जमावड़ा। हिंदू सेना ने दी थी शाहीन बाग को खाली कराने की चेतावनी। पुलिस के दबाव में हिंदू सेना प्रदर्शन से हटी पीछे। कई राजनीतिक दलों ने की हिंदू सेना के नेताओं पर कार्रवाई की मांग। निर्भया मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। फांसी के खिलाफ पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है क्यूरेटिव पिटीशन। पवन गुप्ता ने की है फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग। अदालत निर्भया मामले के चारों दोषियों को फांसी दिए जाने की तारीख कर चुकी है तय। 3 मार्च को दी जानी है फांसी। मराठा आरक्षण को लेकर मंथन करेगी महाराष्ट्र सरकार। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से सरकार ले चुकी है राय। कोर्ट में 17 मार्च को होनी है सुनवाई। सुनवाई से पहले अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखने की कोशिश में जुटी सरकार। सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए PWD मंत्री अशोक चव्हाण की अध्यक्षता में गठित की है उप समिति। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज से शुरू होगा 2 दिवसीय CPR डायलॉग 2020। विदेश मंत्री S. जयशंकर, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, कांग्रेस नेता शशि थरूर और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद होंगे सम्मेलन में शामिल। सम्मेलन में भविष्य के भारत के लिए अवसरों की उपलब्धता और आगामी दशक में भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रगति और नीतिगत चुनौतियों पर होगी चर्चा। आज भी राजधानी दिल्ली में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का जताया अनुमान। हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना। मैदानी इलाकों में तापमान में आ सकती है गिरावट। पिछले सप्ताह की बड़ी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में रह सकती है मंदी। औद्योगिक उत्पादन दर में बड़ी गिरावट और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से चिंतित दिख रहे हैं निवेशक। पिछले सप्ताह 7% तक नीचे चला गया था सेंसेक्स। निफ्टी ने भी देखी बड़ी गिरावट। मोदी सरकार ने लोगों को सोने में निवेश का दिया है एक और मौका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20 में निवेशकों के लिए तारीख का कर दिया है ऐलान। आज से 6 मार्च तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं लोग। गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 4,260 रुपए प्रति ग्राम किया गया है निर्धारित। मोदी सरकार की गोल्ड बॉन्ड में निवेश की ये है 10वीं सीरीज। विराट कोहली के फॉर्म ने बढ़ाई भारत की चिंता। क्राइस्टचर्च की दूसरी पारी में भी नहीं चला विराट का बल्ला। दूसरी पारी में 14 रन बनाकर आउट हुए विराट। टेस्ट सीरीज में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं भारतीय कप्तान। खराब बल्लेबाजी के कारण क्राइस्टचर्च टेस्ट में भी मुश्किल में फंसा भारत। खराब फॉर्म के चलते ICC टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 का स्थान गंवा चुके हैं विराट।